हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मिशन। कैसी हैं गाइस? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए MTR के गुलाब जामुन का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो ये रेडी टू मिक्स होता है, तो मुझे इसको टेस्ट करके देखना था कि इसके कैसे होते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। और किड से और MTR दोनों ही के मुझे चेक करना है। तो मेरे पास अभी MTR के अवेलेबल थे मुझे, तो ये बाई गेट वन फ्री मुझे मिला है। तो मैंने 2 पैकेट इसके लिए हैं और इसको अब हम चेक करेंगे। तो मैं इसको ओपन करती हूँ और आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ कि कैसे बने ये और टेस्ट में कैसे थे। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा गाइस, और यहाँ पर पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो हम इसको देखकर फॉलो करते जाएंगे और मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं 2 पैकेट ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से 1 पैकेट जैसे भी आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। हम इसको डिश आउट कर लेंगे प्लेट में। ये इस तरीके से पाउडर फॉर्म में है। गुलाब जामुन की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जैसे मैं हमने मावे से जो हम नॉर्मली गुलाब जामुन बनाते हैं वो रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ रेडी टू मिक्स वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो ये 175 ग्राम का 1 पैकेट है। यहाँ पर मैं इसको दूध से इसका डो बनाऊँगी। आप चाहें तो पानी से भी बना सकते हैं, इस पर पानी से ही लिखा हुआ है, बट मैं मुझे लगता है कि हम दूध से इसका बैटर सॉरी इसका डो बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मिल्क लिया है, ये फुल फैट मिल्क है, और हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम नॉर्मली गुलाब जामुन का डो तैयार करते हैं वैसे ही हम इसको डो तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं हाफ इसमें ऐड हो चुका है और ये हाफ अभी और है। तो मुझे 2 पैकेट में तकरीबन 1.5 कप मिल्क लगा था। तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं क्वांटिटी, में डिस्क्रिप्शन में ऐड की हूँ, तो आप वहाँ से क्वांटिटी जो भी इसमें ऐड होगा वो देख सकते हैं। ये देखिए डो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आप बस इसको रेस्ट दे दें। मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। अब 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। अभी हम इसको साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम शुगर ले रही हूँ और 250 ग्राम ही मैं इसमें वाटर ले रही हूँ। जब भी आप चाशनी बनाएं तो दोनों की क्वांटिटी सेम रखें, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चाशनी जल्दी बन के रेडी हो जाएगी और अच्छी भी बनेगी। तो मैं यहाँ पर शुगर इसमें ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। शुगर चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। यहाँ पर तीन कार्डमम लिया मैंने और फूड कलर ऑप्शनल है, और कार्डियम की जगह आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, छोटी इलायची का पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। और फूड कलर मैंने सिर्फ इस पे कलर के लिए लिया है। यहाँ पर हम डो देख लेंगे, 10 मिनट हो चुके थे, तो हम इसके जो भी हमें शेप बनाना है वो हम शेप बना लेंगे। मैंने यहाँ पर घी या ऑयल जो भी आप ले लें, क्योंकि डो बनाने के लिए थोड़ा सा अपने हाथों पर लगा लें तो उससे डो उससे जो हमारे बॉल्स जो शेप जो भी शेप बनाएंगे तो वो अच्छा बन जाएगा। तो बस हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते थे, और मैंने इसको 2 शेप बनाए थे। एक इसका राउंड शेप दिया था जैसे नॉर्मली गुलाब जामुन के शेप होते हैं, और एक ओवल शेप दिया था, तो आप देख सकते हैं। बॉल्स को बिल्कुल चिकना हमें रखना है, इसीलिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है इसमें, और एक मैं ये वाला शेप दे रही हूँ। तो आप अपने पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से सारे हम शेप बनाकर रख लेंगे। ये देखिए सारे शेप रेडी हो चुके हैं। अब हम चाशनी भी देख लेते हैं कि चाशनी हमारी रेडी हुई है कि नहीं, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए चाशनी, जब तक हमारी चाशनी रेडी हो चुकी थी, और बस हम इसको साइड में रख देंगे। ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है चाशनी को। यहाँ पर मैं थोड़ा सा केसर ले रही हूँ, ज़ाफ़रान अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ले लें, मेरे पास था तो इसलिए बिल्कुल ऑप्शनल है ये। अब हम इसको साइड में कर देंगे चाशनी को, गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी।
यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए तेल को ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म आप ना करें, क्योंकि गुलाब जामुन बहुत जल्दी से कलर ले लेंगे। हमें इसको स्लो स्लो गैस पे ही हमें इसको फ्राई करना है, और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि ये अभी फूलेंगे भी, थोड़ा सा साइज़ में बड़े होंगे। तो गाइज, मेरे से एक मिस्टेक ये हो गई है कि मैं आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली रिव्यू दे रही हूँ, तो मैं मुझे बताना ज़रूरी है कि मैंने शेप थोड़े से इसके बड़े कर दिए थे। तो आप जब भी इसको बनाया, तो मैंने जो शेप बनाया उसका हाफ बनाया, क्योंकि ये फ्राई करने के बाद और ज़्यादा फूल जाएंगे और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो ये आपके साथ एक टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे थोड़े से बड़े बन गए हैं, तो देखिए ये ज़्यादा फूल रहे हैं। तो आप जब भी बनाएं तो छोटे छोटे बनाएं, क्योंकि पैकेट वाले में क्या मसला होता है ये मुझे नहीं पता, बट जो है छोटे बॉल्स बनाएं आप, जो भी शेप बनाएं वो छोटे बनाएं। तो ये देखिए, इसमें अच्छा सा कलर हो जाएगा, तो बस हम इसको चाशनी में डिप करते जाएंगे। मैंने सारे गुलाब जामुन चाशनी में डिप कर दिए थे और डिश आउट कर लिया, तो रेडी हो गया हमारे MTR के गुलाब जामुन, रेडी हो चुके हैं। और मैं इसको टेस्ट करके भी बताऊंगी, मुझे तो गाइस बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगा है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करेगा और फीडबैक भी मुझे बताएगा कि आपको कैसे लगे रेडी टू मिक्स वाले गुलाब जामुन। तो कभी भी हमें फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा काम होता है और जल्दी में कुछ बनाना होता है, तो इस तरीके से हम रेडी टू मिक्स कभी कभी बना सकते हैं। तो चलती हूँ फिर, एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग में आपके साथ हाजिर होंगी, और मैं इसको टेस्ट करूँगी अभी, और मुझे टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लग रहे थे। तो एक बार आप भी इसको ट्राई करिएगा, ये देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और जूसी भी है। तो चलती हूँ फिर, एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। थैंक यू, बाय बाय।